दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपने मेरी वीडियो को क्लिक कर दिया है। क्योंकि जब आप मेरी वीडियो देखते ना, अच्छे हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं रब को प्रेयर करती हूँ कि जड़ा बंदा ही मेरी वीडियो देखता ना, शांति एंड सुख उसकी घर में बह के आ जाए। ओके, सो गुड न्यूज़, आज मैंने मेरे बालों को वेवी कर लिया बहुत लंबे समय के बाद। क्योंकि मेरे ना दिल कर रहा था मेरे बाल थोड़े और छोटे हों, तो वेवी करने से थोड़े और छोटे लगते हैं, तो इसलिए ये न्यू। पिछले किसी वीडियो में बात की थी मैंने कि हम करेंगे डिक्लेयर। ओके, यू कांट इवन सी मी। सो पिछले किसी वीडियो में बात की थी मैंने कि हम करेंगे मेरी क्लोजेट को डिक्लेटर, क्योंकि मैंने लगा था मेरे पास बहुत ज़्यादा स्वेटर्स हैं और थोड़ी गर्मी कटी है, तो जो स्वेटर्स मैं बहुत लंबे समय से नहीं पहन रही हूँ उसको अभी जाने का समय आ गया है। अगर आप मुझे लंबे समय से देख रहे हैं ना, तो आपने ये वाला स्वेटर बहुत बार देखा होगा। मैं ना हर बार रख लेती हूँ कि यार हॉट पिंक का जमाना आ गया। एक्चुअली था, हॉट पिंक का ट्रेंड था इस साल, पर फिर भी मैं पहन नहीं पाई यार। हजे भी ना मेरा सुतन ले दिल नहीं गया, इन्हें एक और चांस दे दिए बेचारे ने। सो कोशिश है कि आज थोड़ा बहुत डीक्लटर करेंगे, पक्का मैनू लगता नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। एंड मैं वीडियो शूट करने के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, एंड मुझे आज एक वीडियो को एडिट करके अपलोड भी करना है, जो मेरी रैंडम कन्वर्सेशन है आपके साथ, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया लगा रैंडम कन्वर्सेशन करना। और अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये टॉप कहाँ से लिया, तो ये मैंने लिया है कितों रेटमेंस। सो ये वाला टॉप मैंने लिया है रेटमेंस से। एंड ओ माई गॉड, एक मेरे पास ना बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है। अब मुझे है ना इसको थोड़ा लुक एट दिस, बहुत प्यारी है, बहुत लंबी है, बट ये आएगी सॉरी इस ड्रेस के लिए ना मैं चाहती हूँ कि इसको मैं ना किसी इंडियन तरीके से पहनूँ। एनू मैं ना काट के रखा, बहुत लंबा समय हो गया कि मैंने इसको लिया था पर कभी पहना नहीं है, पर ये मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। ओके, मुझे ब्लैक एंड रेड दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, पर कोई भी न्यूट्रल अर्थी टोन के रंग में पहनना पसंद करती हूँ। तो यार जो मैं वीडियो ऑन कर ला, फिर मैं एक काम करा या वीडियो से गल करा मैंने बता, पर या कोशिश करेंगे थोड़ा या तो काम कर ही। सो थोड़ा काम ना फिनिश करने के बाद आपसे बातचीत करते हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी खूबसूरत किचन में। आज हमें दो काम करने हैं। पहले तो आप एप्रन पहन लेते हैं, एंड देखो कितना प्यारा कलर लिया है मैंने, समर एंड स्प्रिंग स्पेशल। ओके, सो दो काम ये है। एक तो मैंने बैंगन को रोस्ट किया है, उसको परथा बनाते हैं थोड़ा सा ये वो, पर एक हमें पास्ता बनाना है हिम्मत के लिए, क्योंकि कल उसका फील्ड ट्रिप है एंड वो लंच में पास्ता लेके जाना चाहता है। सो दैट वी गोना डू फॉर एंड गाइस, इट्स रियली इजी हाउ टू मेक पास्ता। सो फर्स्ट यू जस्ट ग्रैब दिस एंड जस्ट पुट इट स्ट्रेट इन माय बैकपैक, दैट्स इजी। ओके, वेरी फनी। सो ये बैंगन तैयार है, इसमें सिर्फ हरी मिर्च, अनियन एंड टमाटर का तड़का लगाएंगे हम, थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर देंगे, जिंजर को स्किप कर देते हैं, अड्डी लोड़ नहीं है। एंड हम पीते हैं खूबसूरत चाय का कप, पैन को रख देते हैं क्योंकि हम बहुत ही काली में हैं। और एक अगर आप सोच रहे हैं कि ये अद्धा बैंगन क्यों है, क्योंकि अद्धे बैंगन के मैंने पकौड़े खा लिए। कुकिंग के प्रोसेस के साथ साथ हमें इस लड़के की मदद भी करनी पड़ेगी। यस सर, व्हाट यू वांट? What does this mean? They say ki ela da meaning ki hoga, like having a good fortune, lucky, very nice. Without doubt ki ho sakda. What does without doubt mean? Jab ye ladka padhta hai, ise hum snacks bhi de dete hai. Ek dahi kha chuka hai ye ladka, ab ye khayega aur ladke. Wait, what? Open your mouth. Waise ye ladka apne aap bhi kha leta hai, addi ki gaal nahi hai, to ladke ko de ja. Ladke, eat. Feed me. ओके, आई नीड टू डू अदर स्टफ, थैंक यू लड़के, बाय। सो बैंगन के भरते को ना तड़का लगाने के लिए मुझे सरसों का ऑयल यूज करना अच्छा लगता है, तो अनियन मेरे पास मैंने ऑलरेडी काटा हुआ है, सरसों का ऑयल ऐड कर थोड़ा सा करेंगे क्योंकि परथा बहुत कम है हमारे पास। फालतू जब गंद पड़ता है उसको साथ के साथ क्लीन कर देंगे।
रियल बट रियल। बैंगन को चंगी तरह भुन के पड़ता बनाने का जो मज़ा आता है ना, वो बॉयल करके या किसी और तरीके से नहीं आता है। क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं या नहीं? और मैं बैंगन का पड़ता बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। बैंगन के पड़ते में मैं टमाटर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ, क्योंकि वो जो खट्टा फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है। So, अगर आप बैंगन को लेके यहीं पे उसका पट्ठा बना दें नाइफ की मदद से, तो आपको कढ़ाई में काम कम करना पड़ेगा। पड़ते हुए मैं सिर्फ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड लाल मिर्च ऐड करती हूँ एंड सॉल्ट। इसमें हम हल्दी मुझे डालना अच्छा नहीं है। लाल से किस्म का रंग आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है पड़ते का। क्या आप हल्दी ऐड करते हैं पड़ते में? बताना। पता नहीं आप मुझे सुन पा रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि पड़ते की स्मेल इतनी ज़्यादा आती है घर में, तो पक्का लगा के रखा है वो उससे भी जाएगी नहीं, दूर से पता चल जाएगा कि इस घर में पड़ता बन गया। स्वादिष्ट पड़ता रेडी होने ही वाला है थोड़ी देर में। सो पास्ते के लिए हिम्मत को खाना है फेरुचीनी, तो वो बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो पास्ता मैंने कुक कर लिया है, पड़ता भी हो चुका है। मुझे पता नहीं हस्बैंड खाएंगे या नहीं, क्योंकि एक को टाइम रोटी खाते हैं मैं भी, तो वो हमने खा ली थी दोपहर में। मैंने ना दाल वाला आटा गूंदा था कल, वही था मेरे पास, और उसकी परांठा बहुत सॉफ्ट बनता है। अब बेसन बूसन ऐड कर देना जब गूंदते हुए, तो बहुत स्वादिष्ट था। वो खा लिया उन्होंने पेट भर के, अब आई डाउट यू वो खाएंगे। हिम्मत का पास्ता रेडी है, उसे मैंने दे दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड मेरे फ्रिज में जो मशरूम थी वो बेचारी सही नहीं लगी मुझे, तो मैंने ऐड नहीं की है। सो मैं अभी थोड़ा सा खाती हूँ पास्ता एंड वी गोना कॉल इट अ नाइट। एक्चुअली मुझे ब्लॉग एडिट करना है, सो थोड़ा सा खा के जानने अपना काम। सो ज़्यादा नहीं खाएंगे, छोटी प्लेट में टाइनी पोर्शन ही हमारे लिए बहुत है। और समय हुआ है 5:00, सो ये मेरा डिनर है 5 बजे, क्योंकि तब तक मैं जब तक मैं सोऊंगी तब तक ये जाएगा 5। ओके सो थोड़ा ज़्यादा ही गर्म लग रहा है मुझे। और नहीं दोस्तों, तो मैं चली गई थी थोड़ी वॉक करने के लिए एंड हस्बैंड घर आके कह रहे थे मुझे भी कुछ खाना है, तो फिर उन्होंने भी थोड़ा पास्ता खा लिया एंड उसके साथ उन्होंने अपने लिए बनाया था एग ऑमलेट। एंड मैं जाने वाली हूँ वीडियो को एडिट करने के लिए एंड आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी और जिसमें मैंने स्टफ्ड बैंगन बनाए उसकी रेसिपी भी काइंड ऑफ शेयर की है, सो ज़रूर से देखना, वो मैंने कल वाले दिन अपलोड किया था। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं या पुराने हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आप मेरे फ्यूचर में आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस कर देंगे। बेल को भी क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो आपके थॉट्स हैं ना वो रियलिटी बन जाते हैं, वो अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों वो रियलिटी बन जाएंगे। सो अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे होंगे, पर अगर ऐसा है तो अगर आप उस चीज़ के बारे में थॉट भी क्रिएट करते हैं ना, तो आपका कर्मा काउंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि उनका अच्छा ना हो, तो मतलब आपने उनका बुरा कर दिया। सो यू नो, सपने में भी किसी के बारे में बुरे थॉट्स कभी क्रिएट मत करें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका ये कर्मा बिल्ड हो। क्योंकि किसी के बारे में सोचना भी उनके बारे में बुरा करना के बराबर है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना, तो मान लीजिए 100% आपने वो काम कर दिया है। सो थॉट्स भी बिल्कुल मत क्रिएट करें। और आप अपनी ज़िंदगी कैसी चाहते हैं उसके थॉट्स क्रिएट करेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड हमेशा काम करता है।
जब हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं वो बहुत जल्दी इसलिए सच हो जाते हैं क्योंकि नेगेटिविटी को असलियत में लेके आना बहुत आसान है, क्योंकि जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो हम एक्चुअली दिल से बोलते हैं, पर जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं हमें डाउट होता है अंदर से कि ऐसा होगा या नहीं होगा। जैसे आप सोचे कि मुझे एक घर चाहिए पर आपके अंदर डाउट है कि यार वो घर कैसे आएगा, मेरे पास इतने पैसे हैं, कैसा होगा, ये वो डाउट होते हैं ना, तो इसलिए लंबा समय लगता है पॉजिटिव थॉट्स को या ऐसी चीज़ों को सच होने में। पर नेगेटिव हम पूरा डीप इनसाइड ऐसे ही होना चाहिए बोलते हैं तो वो जल्दी सच हो जाते हैं। वैसे भी नेगेटिविटी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है, उसको डबल अप होने में थोड़ा कट समय लगता है। सो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करा करें और आपके दिमाग में कौन से थॉट्स चलते हैं वो आपकी असलियत बन जाते हैं। सो सोच के पर्पजली अच्छे थॉट्स क्रिएट करा करें अपने बारे में भी, लोगों के बारे में भी, क्योंकि जो आप दुनिया में छोड़ते हैं ना वही वापस आएगा, क्योंकि गोल दुनिया या सर्कल है, जो जाता है वो वापस आता है, गंदा भेजोगे गंदा ही आएगा और हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। इस प्लेनेट पे थोड़े समय के लिए हैं हम, ऐसे प्लान मत करा करो कि सारे ज्यादा नुकसान हो जाए और आप ही का अच्छा हो जाए। ये अर्थ पे ना टेम्परेरी समय के लिए आए हैं, तो इतना पूरा परमानेंट डिसीजन बना के मत बैठ जाए कि ओ मैं इतने फॉरएवर ली हूँ, नहीं फॉरएवर के लिए नहीं है। सो अच्छे थॉट्स क्रिएट करा करें क्योंकि एक दिन सब बनने चले जाना है। आज के ज्ञान के लिए बस इतना ही, कल मिलती हूँ, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, बाय, लालू।